कमलेश्वर टीवीएस लाया है दीपावली धमाका, सबसे कम डाउन पेमेंट में ले जाए चमचमाती बाइक, यही नहीं साथ में पाए निश्चित उपहार हाथों हाथ, एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। जरूर पधारे कमलेश्वर टीवीएस, कमलेश्वर प्लाजा कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड रोड फलासिया, मोबाइल नंबर 9256499328। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिमाचल की कांग्रेस सरकार 11 दिसंबर को एक साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हो सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने तीनों राष्ट्रीय नेताओं को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। गौरतलब है कि बीते साल 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने रिज पर आयोजित एक कार्यक्रम में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। लिहाजा 11 दिसंबर को सरकार का एक साल पूरा होने जा रहा है और इस मौके पर सरकार कांगड़ा में एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में है। हालांकि अभी फाइनल वेन्यू तय नहीं है, लेकिन धर्मशाला या शाहपुर के चंबी ग्राउंड में इस कार्यक्रम को लेकर चर्चाएं की जा रही है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है और इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस सरकार अपनी एक साल की उपलब्धियां आम जनता तक पहुंचाएगी और आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल भी फूकेगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सुक्खू ने सभी मंत्रियों और विभागीय सचिवों को निर्देश देकर उन उपलब्धियों की जानकारी देने को कहा है जो पिछले एक साल में किए गए हैं। इन्हें कार्यक्रम के दौरान जनता के बीच रखा जाएगा।